वेलकम फ्रेंड्स सुपर सोनिक। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जिस न्यूज का डेडपुल के फैंस पिछले 2 साल से वेट कर रहे थे, फाइनली अब वो न्यूज आ चुकी है कि मार्वल स्टूडियो में डेडपुल 3 मूवी को कंफर्म कर दिया गया है और ये मूवी हमें जल्द ही एमसीयू में देखने को मिलेगी। और इसलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेडपुल 3 मूवी के बारे में कि आखिर ये मूवी आर रेटेड हो गया नहीं, और हमें ये मूवी एमसीयू में कब तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जतिन, आप देख रहे हैं सुपर सोनिक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जब डिज्नी और फॉक्स की डील हुई थी, तब एमसीयू डेडपुल 3 मूवी के बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोस्तों डिज्नी एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी है और वो डेडपुल जैसे आर रेटेड कैरेक्टर्स पर मूवीज बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसी वजह से डेडपुल के फैंस को इतना वेट करना पड़ा डेडपुल 3 मूवी की कोई अनाउंसमेंट के लिए। पर दोस्तों, अब एमसीयू में डेडपुल 3 मूवी को कंफर्म कर दिया गया है और इस मूवी पर काम शुरू भी कर दिया गया है, और जल्द ही हमें एमसीयू में डेडपुल 3 मूवी देखने को मिलेगी। और ये न्यूज डेडलाइन जैसी बड़ी वेबसाइट ने कंफर्म की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप कहीं डाउट क्लियर कर देते हैं कि एमसीयू में डेडपुल 3 आर रेटेड हो गया नहीं। तो दोस्तों, डिज्नी की तरफ से पहले ये न्यूज आ चुकी थी कि डिज्नी अपनी कुछ मूवीज को फ्यूचर में आर रेटेड बनाने वाला है, और कोई नहीं डेडपुल और ब्लेड जैसी मूवीज होने वाली हैं। तो अब इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हमें एमसीयू में डेडपुल 3 आर रेटेड ही देखने को मिलेगी, क्योंकि डेडपुल के फैंस को डेडपुल का हमेशा आर रेटेड वर्जन ही अच्छा लगता है। इसी वजह से फॉक्स के डेडपुल 1 और डेडपुल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था, और इसी वजह से एमसीयू डेडपुल 3 को आर रेटेड ही रखेगा। और अभी तक की न्यूज के अकॉर्डिंग एमसीयू डेडपुल 3 को रीबूट भी नहीं करने वाला है, मतलब कि डेडपुल की उसी स्टोरी को आर रेटेड वर्जन में कंटिन्यू रखा जाएगा। ये सब दोस्तों पॉसिबल होगा डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से। जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज सोनी के दोनों स्पाइडरमैन को एमसीयू के मेन यूनिवर्स में लेकर आए थे, उसी तरह डेडपुल को भी एमसीयू के मेन यूनिवर्स में लाकर डेडपुल की उसी स्टोरी को कंटिन्यू किया जा सकता है। जिस तरह रियान रेनॉल्ड्स ने अब तक की एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उससे तो ये क्लियर है कि हमें एमसीयू में डेडपुल काफी मूवीज में दिखने वाला है, मतलब कि एमसीयू की हर मूवी में हमें डेडपुल का कैमियो दिखने वाला है। और अपने इन कैमियो में डेडपुल एमसीयू के सुपर हीरोज पर अपने जोक मारेगा और फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें पूरी तरह एंटरटेन करेगा। और डेडपुल फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें जरूर बताएगा कितने टाइम से वो कहां था और डिज्नी और फॉक्स की डील के बाद उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं। और दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर एमसीयू में डेडपुल आ जाता है तो डेडपुल 1 और 2 के बाकी कैरेक्टर्स का क्या होगा। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि डेडपुल के एक दो कैरेक्टर्स को छोड़कर बाकी कैरेक्टर्स को एमसीयू में लाया जाएगा, क्योंकि फिर से एमसीयू में एक एक्सफोर्स नाम की टीम बन जाएगी और उस टीम को बाकी टीम्स के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी एमसीयू में पहले काफी सुपर हीरो टीम्स बन चुकी हैं और एक्समैन फैंटास्टिक फोर जैसी कुछ टीम्स पहले ही कंफर्म हो चुकी हैं। मूवी के लिए दोस्तों डायरेक्टर को भी कंफर्म नहीं किया गया है, पर अगर इससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई न्यूज आएगी तो मैं अपने इंस्टा अकाउंट पे आपको जरूर बता दूंगा, और इसीलिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप मार्वल और डीसी से अप टू डेट रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। और दोस्तों, एमसीयू में डेडपुल 3 के राइटर्स को चेंज कर दिया गया है, जो कि रीड और पॉल को हटाकर उनकी जगह इस मूवी के लिए वेंडी मोलिनिक्स और लेजी मोलिनिक्स को रख लिया गया है, जिन्हें दोस्तों आप मोलिनिक्स सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और रियान रेनॉल्ड्स को भी इनके साथ काफी फ्रीडम दी गई है, और रियान रेनॉल्ड्स भी डेडपुल के कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं। तो अब आता है एक और मेन क्वेश्चन कि ये मूवी हमें एमसीयू में कब तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तो कोई डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो ये हमें 2023 के एंड या फिर 2024 की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें एमसीयू में डेडपुल काफी मूवीज में दिखने वाला है, पर एमसीयू उन सब मूवीज की प्लानिंग करते हुए इस मूवी पर काम करता रहेगा और फिर जाकर इस मूवी की रिलीज डेट फिक्स होगी। तो दोस्तों, ये थी डेडपुल 3 मूवी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और इसी तरह के सुपर हीरो कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।